और असेसमेंट के लिए आपने वो तमाम कॉस्ट जो एडिशनल कॉस्ट आपको बियर करने पड़ेंगे उन रिस्क वाले रिस्की फैक्टर्स के हैपन होने की वजह से उसको आपने क्वांटिफाई करके आपने अंदाजा लगाना है कि अगर ऐसा हो जाए फॉर एग्जांपल इफ यू आर फोर्सिंग के पिछले एक साल में जो पेट्रोल की कीमत है वो फॉर एग्जांपल पाँच फीसद उसमें इजाफा हुआ है एक साल में तो अगर आपको लग रहा है कि अगले एक साल में भी देर इज़ दिस पॉसिबिलिटी कि ये तकरीबन पाँच फ़ीसद इसी तनासब से आगे इंक्रीज़ कर जाएंगे तो आपका जो ट्रांसपोर्टेशन का काम है फॉर एग्जांपल आपका बिजनेस है ट्रांसपोर्टेशन का और पेट्रोल की कीमत आपको बढ़ती हुई नज़र आ रही है जैसे कि पिछले साल में आपने देखा एनालाइज किया तो दिस इज़ द रिस्क फैक्टर विच यू हैव आइडेंटिफाइड राइट फॉर योर बिजनेस एंड इसको असेस करने का तरीका क्या है कि आप कहें कि अगले एक साल में अगर ये पाँच फीसद इजाफा हो जाएगा तो मेरी ये कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन के ऊपर कैसे इम्पैक्ट डालेगा तो आपने वो जो पाँच फीसद इजाफे ऑफ पेट्रोल की कीमत को आपने असेस करना है कि हाउ दैट विल एड टू ओवरऑल एक्सपेंडिचर्स ऑफ माई बिजनेस इन द कमिंग ईयर तो इसको हम कहते हैं रिस्क असेसमेंट तो ये मैंने आपको एक मिसाल दी है इस तरह से आपने वो तमाम पॉसिबल फैक्टर्स जो कि इस तरह से हो सकते हैं जिससे आपकी रेवेन्यूज़ में आपके एक्सपेंसेस में कमी बेशी हो सकती है आपने उन तमाम चीज़ों को अंदाजा लगाना है और उसको क्वांटिफिकेशन करनी है कॉस्ट के टर्म्स में इसलिए हम उसको कहते हैं वी आर असेसिंग द रिस्क और बेटर रिस्क असेसमेंट के लिए बड़े बड़े जो कंपनीज हैं वो क्या करते हैं वो एक्चुअलीज़ को भर्ती करते हैं इंप्लॉय करते हैं एक्चुअलीज का काम होता है एक्चुअलीज आर द इंडिविजुअल्स वो आर एक्सपर्ट्स जो कि मैथमेटिक्स और स्टेटिस्टिक्स के एक्सपर्ट्स होते हैं और वो डेटा की मदद से डेटा दे, डेमोग्राफिक की डेटा को कलेक्ट करते हैं या कलेक्टेड डेटा को एनालाइज करते हैं एनालाइज करके वो प्रोबेबिलिटीज निकालते हैं कि फ़ला बीमारी होने की पॉसिबिलिटी प्रोबेबिलिटी ये है डेथ रेट बढ़ेगा कम होगा सेम रहने वाला है लाइफ एक्सपेक्टेंसी फला इलाकों की ये है तो ये तमाम जो डेटा होता है ये बिज़नेस सेक्टर्स जो भी रेलेवेंट जो जो भी वेरिएबल्स या फैक्टर्स इस डेटा के के वेरिएबल्स या फैक्टर्स रेलीवेंट होते हैं डिफरेंट तरह की बिजनेसेस से वो इन डेटा को सब्सक्राइब करते हैं या एक्चुअलीज़ को भर्ती करते हैं और वो उनके लिए एनालिसिस करके देते हैं तो जैसे अगर आपने अगर आपका काम है अगर आपका बिजनेस है कि आप अस्पताल चला रहे हैं तो ऐसे के कॉन्टेक्स्ट में सपोज यू आर रनिंग अ प्राइवेट हॉस्पिटल तो वहाँ जहाँ आपने अस्पताल बनाना है जिस इलाके में वहाँ एक्चुअलीज का डेटा आपको हेल्प कर सकता है कि यहाँ के लोग कि बीमारी बीमार होने की प्रोबेबिलिटी क्या है यहाँ किस किस्म की बीमारियाँ इस इलाके में ज़्यादा पाई जाती हैं फॉर एग्ज़ाम्पल आपको बखूबी अंदाज़ा होगा कि बहुत से ऐसे साउथ पंजाब में इलाके हैं जहाँ साफ पानी मिलना मिलना एक प्रॉब्लम है इसकी वजह से जो वाटर बोन डिजीज़ हैं वो उन इलाक़ों में ज़्यादा पाई जाती हैं जैसे हेपाटाइटस है डायसेंट्री है इस तरह की चीज़ें तो इसी तरह से आपको अंदाज़ा हो सकता है कि मुख्तलिफ़ इलाकों में कौन सी बीमारियाँ ज़्यादा होती हैं कौन सी बीमारियाँ कम हैं जिसके हिसाब से आप वो वाली बीमारियों के एक्सपर्ट्स को भर्ती कर सकते हैं अपने अस्पताल को चलाने के लिए सिमिलरली आपको अगर ये अंदाज़ा लगाना है कि किस किस किस्म की लाइफ एक्सपेक्टेंसी ओवरऑल क्या है एंड व्हाट आर द पॉसिबल रीजंस जिसकी वजह से फलां इलाके के लोगों की डेथ होती है तो आप अगर उस पर्टिकुलर एरिया के लिए के अंदर इंश्योरेंस की पॉलिसीज़ डिफाइज करने वाले हैं तो आपको ये डेटा बहुत हेल्प करेगा इन इन के कौन से रिस्क से एक्सपोज हैं इस इलाके के लोग ज़्यादातर फॉर एग्जांपल जो लाइफ एक्सपेक्टेंसी है अगर आप यूके में चले जाएं तो वहाँ लाइफ एक्सपेक्टेंसी काफ़ी हाई है लेकिन अभी जैसे आपको पता है अफगानिस्तान के हालात पिछले कई सालों से वहाँ लाइफ एक्सपेक्टेंसी कम है तो अगर आपने इंश्योरेंस पॉलिसी बेचनी है अफगानिस्तान में तो आपके टर्म्स एंड कंडीशंस, आपका प्रीमियम आपकी प्रोबेबिलिटीज, ये सारी डेटा मुख्तलिफ होगी आपके वैल्यूज़ मुख्तलिफ़ होंगे एज़ कम्पेयर टू द टाइप ऑफ पैकेज विच यू विल बी ऑफरिंग टू द पीपल लिविंग इन इंग्लैंड के उनकी जो एक्चुअली से जो डेटा आया है लाइफ एक्सपेक्टेंसी का बीमारी की प्रॉब्बिलिटीज़ का अर्ली डेथस का ये तमाम चीज़ें फ़र्क हैं तो ये तमाम वो एलिमेंट्स हैं या वो इंफॉर्मेशन है जो कि इस्तेमाल की जाती है मुख्तलिफ तरह की बिजनेसिस के लिए जब हम रिस्क को असेस कर रहे हैं वेन वी आर टॉकिंग अबाउट द फाइनेशियल एसेट रिस्क तो उसके लिए स्पेसिफिकली जब हम फाइनेंशियल एसेट रिस्क की बात करते हैं तो उसके लिए अगर हाउस होल्ड्स ने या फर्म्स ने फाइनेंशियल एसेट्स के अंदर इन्वेस्टमेंट करनी है तो वो फाइनेंशियल एसेट रिस्क का प्रॉपर अंडरस्टैंडिंग के लिए दे ऑलवेज सीक एक्सपर्ट एडवाइस वो फाइनेंशियल um, एनालिस्ट को फाइनेंशियल एडवाइजर्स को जाके कंसल्ट करते हैं और उनसे मशुरा ले के पता करते हैं कि जो डिफरेंट फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट्स हैं इनका जो रिस्क एक्सपोजर है वो कितना है टू हैव अ बेटर अंडरस्टैंडिंग एंड टू हैव अ सेफर इन्वेस्टमेंट डिसीशन ताकि वो फाइनेंशियल एसेट्स uh, से जो एसोसिएटेड रिस्क है वो कम अज़ कम बियर करें या ज़्यादा बेहतर तरीके से वो अपनी रिस्क मैनेजमेंट प्रोसेस को एग्जीक्यूट कर सकते हैं इसी तरह से वी uh, नो के रिवॉर्ड और रिस्क में हमेशा ट्रेड ऑफ़ चलता है वी नो दैट इफ़ वी आर टेकिंग हायर रिस्क तो वी विल बी एक्सपेक्टिंग हायर रिवॉर्ड और हायर रिटर्न तो इस ट्रेड ऑफ़ के लिए एक्सपर्ट्स आर हायर एडवाइजर्स आर हायर्ड एंड पीपल ऑलवेज ट्राई टू इन्वॉल्व दो फाइनेंशियल इंटरमीडियरीज या फाइनेंशियल एडवाइजर्स को या वो म्यूचुअल फंड्स के अंदर जाके इन्वेस्टमेंट करते हैं और उसका बेसिक पर्पस यही होता है कि वो म्यूचुअल फ़ंड्स में इन्वेस्ट कर रहे हैं या फाइनेंशियल एडवाइजर्स की की मदद से इन्वेस्टमेंट करते हैं ताकि वो अपने फाइनेंशियल एसेट रिस्क को बेहतर तौर पर मैनेज कर सके सो so, ये तमाम चीज़ें जो हैं वो बताती हैं अहमियत कि आपको फाइनेंशियल रिस्क को आइडेंटिफाई करने के बाद उनको प्रॉपरली उन रिस्क को की असेसमेंट करनी है कौन से कॉस्ट किस तरह से वो हमारे कॉस्ट को इंक्रीज करेंगे डिफरेंट रिस्क का क्या इफेक्ट आएगा हमारे ओवरऑल कॉस्ट में या हमारे प्रॉफिट्स को कम करने में इस चीज़ का बखूबी अंदाज़ा लगाना बहुत ज़रूरी है